राज्य में कांग्रेस सरकार बनने से पहले कांग्रेस द्वारा जिले को टूरिस्ट हब बनाने के दावे किए गए थे, जिसे लेकर कई बार चंडीगढ़ में मीटिंगें भी हुई, लेकिन आज तक इस तरफ किसी द्वारा कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन अब जिले के जंगलात विभाग द्वारा इस तरफ कदम उठाया गया है, जिसके चलते जंगलात विभाग की तरफ से रंजीत सागर डैम झील के साथ लगते इलाकों को विकसित करना शुरू कर दिया गया है और करीब 40 लाख की लागत से रंजीत सागर डैम के पास इमारतों का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है, जिसमें सैलानियों के रहने के लिए कमरों, ट्री हाउस और वाटर गेम्स को लाया जाएगा। जंगलात विभाग के प्रयास सदका यहां स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के साधन खुलेंगे। वहीं पंजाब में वाटर गेम्स खेलने वाले खिलाड़ियों के लिए भी यह झील वरदान साबित होगी। मेरा नाम सुमनदीप कौर है ते मैं रोयर हां ते इस लेख बारे मैं दसना चाहनी हां कि अहीं इत्थे प्रैक्टिस करदे हां अपनी रोइंग कैनो बारे ते अहीं यूनिवर्सिटी दे विच बीबी के डीएवी कॉलेज तो आए हां ते अहीं चाहुंदे हां भी इत्थे होर कॉलेज आउण ते इत्थे डिवेलप हो सके ते उन्हां नूं इस चीज़ का फायदा हो सके ते इत्थे भी वधिया स्टिल वाटर हैगा ते प्रैक्टिस करन ते उह अगे जाण। यह जी लेक है यदा जो ट्रैक है जी इंटरनेशनल लैवल का ट्रैक है जी, इस वे बहुत वधिया जिन्हें भी ट्रैक मैं इंडिया वेखे नंबर वन ट्रैक है जी। इतने बच्चे कि प्रैक्टिस शौक न करते नहीं, असं पहले नियर बाय साढ़े कोई हैगा नहीं पंजाब दे विच ते हुणे कंट्रैक्टर सपोर्ट की मदद नाल अहीं इत्थे आए हाँ। यह सारा कुछ लभ्या सानू डीसी साहब ने ये पूरे अट दिते भी प्रैक्टिस करने वास्ते चीफ इंजीनियर वालों ते इत्थे अग्गे ना डिवेलपमेंट हो रही है चंगी जी। फॉरैसट डिपार्टमेंट वाले भी हुण इत्थे रेस्ट हाउस बना रहे जी, जे गां नूं आने वाली जो गेम साडियां जिहड़ियां जे जिहड़े बाहरों साढ़े गैसट आउंदे ने जां कोचिस आउंदे ने उन्हां वास्ते फैसिलिटी हौली हौली वधदी पई है जी। आपने देखा होगा धार ब्लॉक में सीनिक ब्यूटी काफ़ी अच्छा है, तो उसी को टैप करने के लिए हमारे सरकार वालों एक प्रोजेक्ट तैयार किया गया जिसका नाम है नेचर अवेयरनेस कैंप। बेसिकली इस प्रोजेक्ट का मकसद ये है कि लोगों को वातावरण के बारे में, फॉरेस्ट के बारे में, वाइल्ड लाइफ के बारे में जागरूक करें ताकि उनके अंदर एक भावना आए कि हम एनवायरनमेंट को बचाएं, फॉरेस्ट को बचाएं और वाइल्ड लाइफ को बचाएं। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने अवेयरनेस कैंप जिसमें हम टेंटेड एकोमोडेशन बना रहे हैं, 4 टेंट बना रहे हैं इनिशियली। उसके अलावा नेचर ट्रेल बनाया हमने, 7 किलोमीटर का ट्रेल बनाया जिसको वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट या फॉरेस्ट एंथुसियास्ट हों वो ट्रैक करके जंगल का फील ले सकते हैं और देख सकते हैं कि जंगल में हमारी क्या क्या बायोडायवर्सिटी है। इसके अलावा हम ट्री हाउसेस बना रहे हैं ताकि ट्री के ऊपर आप जाके अच्छे वॉच टावर आप देख सकते हैं कि हमारे पानी कैसा दिखता है, क्या क्या हमारी बर्ड स्पीसीज हैं, क्या हमारी ट्री स्पीसीज हैं, ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा हमने जिप लाइन भी सोच रहे हैं स्टार्ट करने के लिए। जिप लाइन का बेसिकली मकसद ये होगा कि हम ऊपर से हवा में जाके हम अपने ट्री के नापी को, ट्री कंपोजिशन को देख सकें कि कैसा दिखता है हमारा जंगल और हमें कैसे फिर प्रेरणा मिलेगी कि हम कैसे अपने जंगल को बचाएं। इसके अलावा वाटर स्पोर्ट्स का भी प्रोविज़न हमने रखा है और इसमें बोटिंग होगी, स्काई जेट स्की होगी और सारी एक्टिविटीज़ होंगी और ये सारा प्रोजेक्ट हमारा जो विलेज फॉरेस्ट कमेटी है हमारी चमरोड़ की वो चलाएगी और इस इनकम का जो भी इनकम होगा उसका कुछ अच्छा शेयर विलेज के डेवलपमेंट के लिए भी जाएगा। टोटल कॉस्ट ऑलमोस्ट प्रोजेक्ट की है अराउंड 40 लाख के आसपास और इसी प्रोजेक्ट में ही टोटल मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस के बेस पे करेंगे और जो भी प्रॉफिट होगा मतलब कम्युनिटी पार्टिसिपेशन करके ही हम देंगे ताकि लोगों को वहाँ के जो लोग हैं उनको रोज़गार मिले। हम एज ए नेचर गाइड उनको इंगेज करेंगे, इवन खाना बनाने के लिए, सारी हाउस कीपिंग के लिए भी लोकल ही अरेंज करेंगे ताकि जो भी बेनिफिट मिले वो लोकल सोसाइटी को जाए। पठानकोट से कैमरामैन अभिषेक भारद्वाज के साथ अजय सैनी की रिपोर्ट।